में अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता हरदा मध्य प्रदेश से राज पुराना जुड़ गए हैं। तो राज, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा मामला है, एक बार हमें शॉर्ट में एक बार वापस से बता दें, और दूसरी बात है जो इस मामले में अपडेट्स क्या है, सबसे अहम बात। जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा मैम, ये थाना छिपावर का मामला है। थाना छिपावर में जिस तरह एक नाम जाने वकील है, वकील ने और उनके बड़े बेटे ने जो दुष्कर्म किया है, दुष्कर्म के मामले में जब महिला थाने पहुंची तो थाने टीआई निकिता विल्सन ने उनसे केवल आवेदन लिया और आवेदन को जांच में ही रख दिया। जी जी मैम, जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हम ये जानना चाहेंगे, देखिए कि राज, सबसे बड़ी बात है कि अपडेट जैसे कि आपने बताया ये पूरा मामला क्या था, पर हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर पुलिस किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि बात करें अगर तो डबल इंजन की सरकार है, मैं ऐसे में महिलाओं के खिलाफ तो एक अत्याचार हो रहा है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा, पुलिस थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई जा रही है, बड़ी हैरत की बात है। जब देखा जाए तो ये पहला मामला सामने आ रहा है जहाँ थाने में आवेदन के ऊपर जाँच हो रही है, क्योंकि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होने के बाद ही आवेदन जांच की जाए, पर जांच ना हो रही है और उसको ही के लिए खड़ा पूर्त कर रहे हैं। जब टीआई से इस मामले में बात हुई तो टीआई का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो टीआई भी एक सूचना का कटघरे में खड़ी हो रही है। जी, तो ये बात भी हम साथ साथ आपसे जानना चाहेंगे कि राज, की देखिए जो पीड़िता है, इन्होंने इसके अलावा अपनी कहां कहां बात रखी है, पुलिस के बड़े अधिकारियों को शिकायत दी गई है या नहीं दी गई है? सर मैम, जैसे देखा जाए तो एसपी से इस मुद्दे से भी इस मामले में बात हुई थी और एस्टेट है साहिल खान से भी मेरी चर्चा हुई थी, पर देखना तो यह है मैम की जो थाना छिपावर टीआई ने जब महिला आवेदन देने गई तो महिला की बात नहीं सुनी और केवल आवेदन लेकर ही जांच में उसको रख दिया और बोल दिया कि आप जाके आस्था, आपके नजदीक थाना पड़ता है, वहां पर एफआईआर है। जब एफआईआर आस्था थाने में करवाने पहुंची महिला तो वहां से भी उसको रफा दफा कर दिया और बोल दिया जहां घटना स्थल है वहां पर एफआईआर होगी। तो टीआई ने आवेदन लेकर रख लिया और बोल दिया कि इस आवेदन पर जांच होगी। तो मैम, देखने तो बड़ी रोचक बात ये होगी कि बिना एफआईआर दर्ज कैसी जांच। जी, तो आप क्या महिला से जी जारी रखे इस मामले में देखने वाला है कि पुलिस भी संदेह के गहरे में खड़ी दिखाई दे रही है मैम। ये जो पूरा मामला है, क्लियर चिट है, जिस तरीके से महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ इस तरह की जो घटना सामने आई है, उसके बावजूद भी हैरत की बात है कि पुलिस जो है वो एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा किसका हाथ है, ऐसा किसका दबाव है कि मामला अभी तक दर्ज ही नहीं हुआ है। आज की सरकार बात करती है महिला अत्याचार पर रोक की बात करती है, पर साफ सुथरे मामला है जो स्पष्ट है, फिर भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ मामला, ऐसा किसका दबाव है? संदेह में तो मामला ये आ रहा है मैम कि जाने माने जो वकील हैं वो वकील का रोप झाड़ते हुए ये मामला दबाने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले। ठीक है, आपने वकील की बात की तो एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि वकील की बात है तो वकील भी तो कानून में बंधा हुआ है, तो महिलाओं के लिए तो कानून बने हुए हैं, महिला अत्याचार पे तो कानून बने हैं, तो एक तरफ वकील इस तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरा कार्रवाई नहीं हो रही, आपको नहीं लगता कोई मेलजोल नहीं हो रहा है? जी मैम, ऐसे लगता है जिस तरह थाने में आवेदन लिया गया और आवेदन से ही जांच के लिए बोला गया कि जांच होगी, तो बिना एफआईआर से कैसी जांच कर रहे हैं टीआई निकिता विल्सन। ठीक है, एक आखिरी सवाल कि जब महिला एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंची, अपनी शिकायत देने के लिए पहुंची, तो उनको कहा क्या कुछ जा रहा है? मैम, उनको ये कहा जा रहा है कि आवेदन के ऊपर जांच हो रही है, केवल उन्हें गुमराह किया जा रहा है कि मामले को ठंडा करा जाए, मामले को किसी ना किसी तरीके से रफा चक्कर करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मामले को पूरे तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। राज, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस तमाम जानकारी के लिए। ये थे मेरे सहयोगी हरदा मध्य प्रदेश से राज बुराना मेरे साथ, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हमको तमाम जानकारी दी। आपको बता दें जो घटना है घटी है, पति और जो ससुर है उनके ऊपर आरोप है, उनके साथ घटना का जो आरोप लगा हुआ है। इसी तरह की ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे, देखते रहे न्यूज 24।